जब रस्मों के बीच में ही बदल गई दुल्हने, शादी में ऐसी गड़बड़ कि मच गई भड़बा, बत्ती गुल में हो गई दुल्हन की अदला बदली, लाइट आने पर सुधारी पंडित ने अपनी गलती। इन दिनों बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शादी विवाह के सीजन में अगर बिजली गुल हो जाए तो परेशानियां चाहे वर पक्ष हो या वधु पक्ष, दोनों को ही झेलनी पड़ती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र असलाना में जो परेशानी दोनों पक्षों के सामने खड़ी हुई, उसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला एमपी के उज्जैन से सामने आया है, जहां बिजली गुल होने के बाद दुल्हन ही बदल गई। इस बात की जानकारी होने पर मंदिर में फिर पंडित ने सही दुल्हन के साथ सात फेरे लगवाए और इस गलती को सुधारा। बता दें कि उज्जैन के समीप ग्राम दंगवाड़ा के दो भाइयों की बारात असलाना गांव पहुंची थी। यहां पर तीन बहनों की शादी एक साथ होनी थी। रात में अचानक बिजली गुल हो गई। दुल्हन की ड्रेस एक जैसी होने की वजह से दंगवाड़ा के भाइयों की दुल्हन बदल गई। विवाह समारोह के बाद जब बारात दंगवाड़ा पहुंची तो वहां खलबली मच गई। जिस दुल्हन की शादी बड़े भाई से होनी थी, उस दुल्हन ने छोटे भाई के साथ फेरे ले लिए थे, जबकि छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए पसंद की गई युवती से विवाह कर लिया था। इस बात का खुलासा होने के बाद एक बार फिर दोनों जोड़े दंगवाड़ा स्थित बोरेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां पर पंडित ने दुल्हन बदलकर दोबारा से विधिवत सात फेरे लगवाए। इस बात की पुष्टि दंगवाड़ा के स्थानीय ग्रामीण जनों ने भी की है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली संकट गहरा रहा है, जिसकी वजह से विवाह समारोह में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जनों ने बताया कि दो भाइयों की बारात एक ही घर पहुंची थी, उनकी शादी सगी बहनों के साथ होनी थी, लेकिन बिजली गुल हो जाने की वजह से दुल्हन की अदला बदली हो गई। बाद में एक बार फिर मंदिर में फेरे लगवा कर गलती को ठीक किया गया। ऐसा हुआ कि हम फेरे के लिए आए थे, वहाँ से तोरण वोरण मारा हमने और दुल्हन दूल्हे को अंदर ले गए और वहाँ बिठाए उनको। बिठाने के बाद में यह हुआ कि हमारे परंपरा जो है वो घूंघट निकालने की है, तो दूल्हा इधर का उधर हो गया था, इधर का उधर। आपके जिले में बिजली को लेकर क्या समस्या आ रही है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।